धीरे धीरे जरा दम लेना, प्यार से जो मिले गम लेना, दिल पे जरा वो कम लेना, ओके जानू तू दिन दिन ना, धीरे धीरे जरा दम लेना, प्यार से जो मिले गम लेना, दिल पे जरा वो कम लेना, ओके जानू तू दिन दिन ना, कल की बीती कल। मिलिए परी के रियल लाइफ पांचाल से। अपनी बीवी से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं। हाँ, वैलेंटाइन के दिन नहीं, लेकिन वैलेंटाइन के बाद भी बीवी को देते हैं तरह तरह का सरप्राइज। कभी उन्हें हार पहनाते हैं, कभी चॉकलेट खिलाते हैं, कभी देते हैं ढेर सारे फूल, कभी उनके लिए ट्रैक्टर पर सरप्राइज देते हैं, और दोनों मियां बीवी डूब जाते हैं रोमांस में। सास बहू बेटा के जश्न इश्का में अभी भी वैलेंटाइंस डे का फीवर जारी है। भाई वैलेंटाइंस के दिन अगर आप अपनी मियां बीवी या फिर बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड को विश करना भूल गए तो अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। यू कैन स्टिल सरप्राइज योर लव वन। ये सब कर रहे हैं कुशांक अरोरा, जो है ओजस्वी के डियर हस्बैंड, यानी सीरियल क्या हाल मिस्टर पांचाल की परी के रियल लाइफ मिस्टर पांचाल। मुंबई एक माया नगरी है, जहाँ की भागती दौड़ती जिंदगी में शायद मियां बीवी एक दूसरे को वक्त ना दे पाते हो। तो अगर वक्त छूट गया है तो कोई बात नहीं, आज सास बहू और बेटिया ने टीवी के ऐसे ही मियां बीवी को एक साथ एक खास वैलेंटाइन सरप्राइज दिया मुंबई की जगमगाती रातों में। कहते हैं मुंबई समंदरों का शहर है, और यहाँ की मरीन ड्राइव की खूबसूरती देखने लायक है। और मरीन ड्राइव की ऐसी ही एक चमचमाती शाम में ओजस्वी कर रही है अपने हस्बैंड का इंतजार। ओजस्वी शूटिंग से जल्दी जल्दी पहुंची, क्योंकि पति ने उन्हें एक सरप्राइज देने का वादा किया है, लेकिन पति जी तो लेट हो गए। डोंट वरी, सास बहु बेटिया टाइम पर है। मैं हूँ परी। तो परी कैसी, यानी ओजस्वी कैसी है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन आप ये देखिए ना, मेरे हस्बैंड ने मुझे कहा आज वैलेंटाइंस मनाते हैं, तो क्यों ना तुम मुझे मरीन ड्राइव में मिलो। अब मैं तो पहुँच गई हूँ, लेकिन मेरे हस्बैंड वो कहीं मिल ही नहीं रहे, दिख ही नहीं रहे। लड़कियों के लिए कहते हैं लोग कि लड़कियां हमेशा लेट आती हैं, लेकिन नहीं, मैं यहाँ एकदम टाइम पे आई हूँ, लेकिन मेरे हस्बैंड कहीं दिख ही नहीं रहे। हस्बैंड, कहाँ हो तुम हस्बैंड? आखिरकार कुशांग की हुई एंट्री, और उन्होंने अपनी रूठी हुई बीवी को मना लिया, क्योंकि आज वो एक नहीं दो नहीं बल्कि कई सरप्राइजेज उन्हें देंगे। वेट कराने के लिए केक लेने गया था और गिफ्ट लेने गया था, पर कुछ नहीं मिला मुझे। सारे शॉप्स बंद थे। I'm so sorry. एक तो लेट आओ, ऊपर से एक भी चीज भी नहीं लेकर आए। वेरी बैड, वेरी बैड। अब नहीं मिला तो मैं क्या करूं, दुकान बंद थी यार, रात के 11 बज रहे हैं, कहां कौन खोल के बैठता है यहां पे बॉम्बे में। वापस जाऊं? पक्का? आर यू श्योर? सरप्राइज नंबर 1, गुलाब से रूठी बीवी को मनाए। जी हाँ, छोटा सा ये गुलाब रूठी हुई बीवी और गर्लफ्रेंड को झट से मना देता है, जैसे कुशांक ने ओजस्वी को मना लिया। हैप्पी वैलेंटाइन डे, लव यू, थैंक यू, वन मोर, थैंक यू, वन मोर, थैंक यू, लव यू। माफ किया। ये स्वेटर में ये लग गया। ये तो एक ही सरप्राइज था डॉल तुम्हारे लिए, अभी और भी सरप्राइजेस बाकी, सो स्टे ट्यून्ड। ओके। वैसे तुम यहाँ पे अकेली कर क्या रही थी? तुम्हारा इंतजार आधे घंटे से। तो और क्या, कुछ खा लेती, कुछ पी लेती, यहाँ पे गिरगांव चपाटी है, वहाँ चली जाती, बैठ जाती, बीच पे चिल करती। अब आप आगे हो ना, तो साथ में चले करेंगे। चलो साथ में चल। ओके, अब जरा बारी है सरप्राइज नंबर 2 की, क्योंकि देखिए कुशांक ने कैसे तेजस्वी के लिए एक लाइव कॉन्सर्ट मुंबई के मरीन ड्राइव पर कर डाला। ये जनाब समुद्र किनारे गिटार बजा रहे हैं, और मियां बीवी इस लाइव कॉन्सर्ट में देखिए कैसे रोमांटिक होकर डांस कर रहे हैं। बहला नशा, बहला खमार, या मैं झूल जाऊं इन घटाओं में कहीं, उड़ता ही फिर इन हवाओं में कहीं। फी, हाउ डू यू लाइक इट, कैसा लगा आपको एक्सपीरियंस?
थैंक यू सो मच बेबी, आई वाजंट एक्सपेक्टिंग दिस, सीरियसली मुझे एक्सपेक्टेड था ही नहीं कि इतना क्यूट, इतना प्यारा सरप्राइज होगा। थैंक यू। डोंट वरी, ये तो सिर्फ पहला था, अभी आगे और भी बहुत सारे सरप्राइजेस मैंने तुम्हारे लिए किए हैं, तो लेट्स जस्ट थैंक मिस्टर विजय फॉर बीइंग अस, बीइंग विद अस टुडे। थैंक यू मिस्टर विजय। सरप्राइज नंबर 3, जरा देखिए तो भाई, लड़की चाहे 6 साल की हो या 16 साल की, चॉकलेट उनकी कमजोरी होती है। और देखिए तो मिस्टर अरोरा ने मिसेस अरोरा को चॉकलेट देकर कैसे पटा लिया। जैसा कि मैंने अपनी वाइफ को प्रॉमिस किया था कि आज मैं उसे सरप्राइजेस देता रहूंगा। सो दिस सरप्राइज इज वन ऑफ देम। आर यू रेडी फॉर इट? यस। 1 2 3 घूमो। Doll, for you, chocolates. You love chocolates, hai ki nahi? I do. Thank you. How much you love chocolates? I love chocolates. Tum chocolates ke liye kya kya kar sakte ho? Dolna ve tere naal jindri bitawa, kadi nahi ho chhodna ishq di dorna, sare chhad jaye mahi. और अगला सरप्राइज तो बड़ा ही क्यूट है, हो जाए एक रोमांटिक सा डांस। भाई मुंबई रात में बड़ी खूबसूरत लगती है, और ये नजारे अगर बैकड्रॉप में हो तो मियां बीवी एक अमेजिंग सा सॉन्ग भी शूट कर सकते हैं, जैसे ओजस्वी और उषा ने किया। अगला सरप्राइज है ट्रैक्टर वाला। ये तो ट्रैक्टर है, अब हम इस ट्रैक्टर में क्या करेंगे, बैठ के कहाँ जाएंगे? कहाँ? किसी खेत में? नहीं, समुद्र के अंदर। डूड, समुद्र के अंदर ट्रैक्टर नहीं चलता है। ओह, इंटेलिजेंट ऑफ यू परी। चलो, गेट अप, यू विल गेट अ सरप्राइज। माय टर्न। नाउ लेट्स कट द केक। छुटे आना छुटे मुंह से रंग तेरा डोलना, एक तेरे बाजो दूजा मेरा कोई मोल ना, बोलना माही बोलना, बोलना माही बोलना। जी हाँ, मुंबई के समुद्र में अगर ट्रैक्टर पे बैठना हो तो कैसा हो, तो देखिए कुशांक ने ओजस्वी को कैसे मुंबई के समुद्र में ट्रैक्टर पर बिठाया। हैप्पी वैलेंटाइन्स डे। अगला सरप्राइज है बड़ा ही सिंपल सा। मुंबई के मनी ड्राइव में रात को मिलती है गर्मा गर्म चाय और कॉफी, तो चाय कॉफी के साथ एक दूसरे के साथ चेयर्स करें तो शाम बड़ी ही सुहानी हो जाती है। क्योंकि वेदर भी इतना अच्छा है तो चुस्की वाली चाय तो बनती है ना। Do you want chai? Yes. I'll get it for you. Here, doll, for you. Coffee. एक ही दो आप. Share करेंगे. Sharing से प्यार बढ़ता है. Sharing से प्यार बढ़ता है. बैठिए. कोई उसको पिलाने वाली हो, चाहे गोरी हो या काली हो। अब वाइफ को इससे बेहतर सरप्राइज मिलेगा क्या? भाई मियां बीवी का सरप्राइज तो चलता रहा, लेकिन जरा जान लेते हैं इनके रोमांस की कहानी। भाई इनकी शादी को पूरे 4 साल हो गए हैं, लेकिन लगता है जैसे ये न्यूली वेड्स हैं, तो क्या राज है इनकी सफल शादी का? प्यार हुआ, इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल? प्यार हुआ, इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल? कहता है दिल रास्ता मुश्किल, मालूम नहीं है कहाँ मंजिल। कहता है दिल रास्ता मुश्किल, दिल तो पागल है, दिल दीवाना है, दिल तो पागल है, दिल दीवाना है। Next. We got married in 2013. 13? Yeah. 14. 13. What, we'll complete 5 years?
आई एम वेरी बैड विद डेट्स. हाँ तो हमने 4 साल डेट किया, उसके बाद शादी की है यार, याद है मुझे अभी भी. 2018 चल रहा है, 2010 से हम डेट कर रहे हैं. हाँ, ये अभी भी डेट कर रहे हैं, हम हर रोज डेट करते हैं, हम शादीशुदा नहीं है. वी आर बेस्ट फ्रेंड्स और हम हर रोज डेट करते हैं. वी आर लाइक बेस्ट बडीज. लाइक मुझे कोई प्रॉब्लम होती है मैं इसे आके बोलता हूँ, इसे कुछ प्रॉब्लम होती है मुझे आके कहती है, एंड वी सॉल्व इट टुगेदर. हम एक दूसरे के ऊपर कभी गुस्सा नहीं होते, यू नो, वी चिल्ड आउट, वी लाइक बडीज है. दैट्स हाउ रिलेशनशिप शुड बी. प्लस आई वुड से कि बहुत कम होता है जब हस्बैंड्स बहुत अंडरस्टैंडिंग होते हैं या हस्बैंड्स बहुत पुश करते हैं लड़कियों को कि आप जाओ अपने करियर के लिए, जो पैशन है वही पैशन हस्बैंड्स रखे. और मैं ये बोलूँगी कि मेरे लिए बहुत ही अच्छी और बहुत लक की बात है दैट ही इज सच एन अंडरस्टैंडिंग पर्सन. अब एक एक्टर को नहीं समझेगा तो कौन समझेगा. पॉइंट. ओजस्वी अरोरा ने यूं तो कई सीरियल्स में काम किया है, लेकिन आजकल क्या हाल मिस्टर पांचाल में उन्हें काफी फैंस भी मिल गए और देखिए मुंबई में कैसे उनके फैंस ने उन्हें घेर लिया. थैंक यू सो मच आज तक सास बहु बेटियां, थैंक यू सो मच, आपने हमें इतना ब्यूटीफुल हमारा वैलेंटाइंस बनाया. राइट, एब्सोल्युटली करेक्ट. आई वांट टू थैंक द एंटायर टीम ऑफ आज तक एंड सास बहु बेटियां फॉर गिविंग अस दिस अपॉर्चुनिटी टू सेलिब्रेट आवर वैलेंटाइन विद यू गाइस. मैं आशा करता हूँ कि हमारे व्यूअर्स को ये एपिसोड देख के सास बहू बेटिया का बहुत मजा आएगा. करेक्ट. हमें तो बहुत ही रोमांटिक और मजेदार इवनिंग थी आज हमारी. करेक्ट. आई होप आप लोगों को भी बहुत मजा आए. कुशांक और जस्वी दोनों ही टीवी सीरियल्स में काम करते हैं और अपने बिजी शेड्यूल के बीच में वो अपना वैलेंटाइंस डे मनाना भूल गए थे, लेकिन सास बहू और बेटिया के साथ उन्होंने वक्त निकाला और एक दूसरे को सरप्राइज करके अपने रोमांटिक लाइफ का एक नजारा दिखाया. Keep giving surprises the way I did, you know. Surprise your girlfriend all the time. And your wife. And your mother. And your chachi. And your tai. And your mommy. And everybody. Any female in this world. Any female. Of course. क्यों नहीं? Okay. Love you. Happy Valentine's Day once again. तो ओजस्वी और कुशांक की तरह आप भी जाइए और वैलेंटाइंस डे की चिंता ना करते हुए बस एक दूसरे को सरप्राइज दीजिए और बनाइए अपनी मैरिड लाइफ को हसीन और खुशहाल. सो इसी तरह आपके फेवरेट सितारों को आप तक लेकर आता है आपका फेवरेट शो सास बहू और बेटिया. कैमरा पर्सन योगेश के साथ श्रुति बड़जात्या, मैं रा मुंबई आज तक. हैप्पी वैलेंटाइंस डे.